तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को और किसान चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाएंगे जीरो 38 की। ये हमारे किसान भाई से ही मिलवाएंगे, अपने पूरी जानकारी लेंगे उनसे कि उन्होंने कौन कौन सी दवाई का उपयोग किया गन्ने में अपने। पूरी जानकारी लेंगे अपने किसान भाई से हम। ये किसान भाई का हमारे गन्ना है, आपको दिखाएंगे। देखो कितना बढ़िया गन्ना हुआ है, बहुत ही अच्छा गन्ना हुआ है। देखो कितने फीट पर है, ये भी जानकारी लेंगे अपने किसान भाई से। लगभग 10 फीट का गन्ना हो गया होगा। अपने किसान भाई से भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे इस गन्ने के बारे में। देखो किसान भाइयों कितना बढ़िया है, नीचे गन्ना भी आ चुका है, इसमें बढ़िया गन्ना पड़ चुका है। अब जानकारी लेंगे अपने किसान भाई से हम। किसान भाई राम राम जी। राम राम जी। ओ जी ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र रवि है। अच्छा, और आपके गांव का नाम? गांव मानपुर। अच्छा, और आप? कागजी नाम लालपुर मान है इसका। अच्छा, तहसील नजोबाद। अच्छा, थाना रांगल। अच्छा, जिला बिजनौर। अच्छा, तो किसान भाई आपका ये गन्ना कौन सा है? ये भैया 0238 गन्ना है। अच्छा, 0238 गन्ना है भाई का। तो किसान भाई आपकी ये 9 लाख है पेडी? ये पेडी है भैया। अच्छा, पेडी है किसान। नाल की जो जौ के बाद बोई जाती है ना। अच्छा, 9 लाख तो उसके पेडी है ये। अच्छा, तो हमारे किसान भाई की ये पेडी है। तो किसान भाई आपकी जी ये 9 लाख थी, इसने कितना एवरेज दिया था? लगभग 85 का एवरेज दिया हमारे किसान भाई की 9 लाख ने। तो किसान भाई हमें शुरू से ही जानकारी दो, आपकी जो 9 लाख थी उसमें आपने कौन कौन सी दवाई का उपयोग किया? भाई दवाई तो हम ज़्यादा यूज नहीं करते। अच्छा, बस एक एनपीके के जो पैकेट 18-18 आते हैं जी, वो यूरिया के साथ मिलाते हैं। अच्छा, और वर्टागो डालते हैं। अच्छा, और आपने पेडी में क्या इस टाइम कौन सी दवाई का उपयोग किया? पेडी में भी यही किया हमने। अच्छा, एनपीके और यूरिया। अच्छा, और वर्टागो लगा दी थी हमने। अच्छा, रिजल्ट आपके सामने ही है। अच्छा किसान भाई, किसान भाई थोड़ी सी जानकारी दो, आप वर्टागो का रिजल्ट कैसे मानते हो? भाई वर्टागो का हम तो देखो वर्टागो ही यूज कर रहे हैं सभी खेतों में। अच्छा, वर्टागो को बढ़िया रिजल्ट मानते हैं। बढ़िया। तो किसी वजह से अगर रोग आ जाए जी, तो आप वर्टागो ही लगाते हो? वर्टागो ही लगाते। अच्छा, तो हमारे किसान भाई का कहना है वर्टागो दवाई बहुत बढ़िया है। तो किसान भाई थोड़ी सी जानकारी और दो, ये आपका गन्ना कितने फीट पर होगा लगभग? ये भैया करीबन 4.25 के फीट के करीब होगा। 4.25 के फीट के आसपास है। तो किसान भाई का हमारा गन्ना 4.25 फीट के आसपास है। तो आप किसान भाई आपकी इसकी नलाई कैसे करते हो? इसकी नलाई भैया उससे जो छोटा ट्रैक्टर आता है। अच्छा, 4x4। 4x4 जी, उससे करते हैं। अच्छा, 4x4 ट्रैक्टर से हमारे किसान भाई इसकी नलाई करते हैं। अपने दूसरे किसान भाई से मिलवाएंगे, ये भी इस खेत के मालिक हैं। राम राम जी। राम राम जी। ओ जी ठीक ठाक हो? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूँगा, आपका नाम? तेजीपाल सिंह। और आपके गांव का नाम जी? लालपुर मान। और आपके डिस्ट्रिक्ट? और आपकी तहसील? नजीबाबाद। अच्छा, नजीबाबाद तहसील हमारे किसान भाई की। तो किसान भाई आपका ये गन्ना हमारे किसान भाई ने बताया है 0238 गन्ना है। तो किसान भाई आप दवाई का कौन सी उपयोग करते हो ज़्यादातर? वर्टागो। अच्छा, वर्टागो का आप लगाते हैं हमारे किसान भाई। चलो बहुत बढ़िया है। तो किसान भाइयों हम थोड़ा सा गन्ने का निरीक्षण करेंगे। देखो किसान भाइयों गन्ना बहुत ही बढ़िया हुआ है। अंदर जाएंगे हम किसान भाई। देखो बढ़िया गन्ना हुआ है, लगभग 10 फीट गन्ने की हाइट हो चुकी है किसान भाइयों। बहुत ही अच्छा गन्ना हुआ है। देखो मैं आपको गन्ने का फुटाव दिखाना चाहूँगा। देखो कितना अच्छा कर रहा है गन्ना। और इसकी नलाई ये 4x4 ट्रैक्टर से करते हैं हमारे किसान भाई, इसकी नलाई करते हैं। ये इनकी किसान भाई की हमारे पेड्डी है। आने वाली वीडियो में हम आपको इनकी 9 लाख भी दिखाएंगे। 9 लाख भी हमारे किसान भाई की नया पौधा, वो भी दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया पेड्डी हुई है हमारे किसान भाई की, बहुत ही अच्छी। देखो किसान भाइयों कुछ बढ़िया, अब थोड़ी बहुत जानकारी और लेंगे हमने किसान भाई से हम अपने। इसमें थोड़ी सी बेल हो रही है, देखो कहीं कहीं इसकी बेल का स्प्रे करेंगे या इसे हाथ से फाड़ेंगे, ये पूरी जानकारी लेंगे अपने किसान भाई से हम। बहुत ही अच्छा गन्ना हुआ है हमारे किसान भाई का। ये मानपुर के हमारे किसान भाई है। देखो किसान भाइयों मैं आपको बहुत ही बढ़िया गन्ना हुआ है, मैं आपको देखो थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। देखो बहुत ही अच्छा गन्ना पड़ चुका है इसमें अभी तक। लगभग गन्ने की हाइट 10 फीट हो चुकी है। और हम किसान भाई से थोड़ी सी जानकारी और लेंगे इसमें। भाई मैं थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूँगा आपसे। इसमें देखो थोड़ी सी बेल हो रही है, मैं अभी अंदर गया खेत में आपके, देखो ऐसी बेल हो रही है, देखो हमारे किसान भाई दिखा रहे हैं। तो इसका आप स्प्रे करोगे या इसे उफाड़ोगे? भैया अपने हाथ से फाड़ना ज्यादा अच्छा, सही समझते हैं। हाँ बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा दवाई यूज करना ज्यादा गन्ने को हाँ नुकसान देता है, ये सही बात है हमारे किसान भाई का। तो इसमें अपना मट्टी चढ़ा देंगे, वो फिर बेल का ही काम अच्छा। बेल अपना आपको तो किसान भाई को गन्ना नहीं मिलना। हाँ ये बात बढ़िया, रोग कहीं भी कोई भी गन्ना देख लो जी, खेत में कहीं भी घूम लो, सही यही नहीं सभी जगह घूम लो कि रोग का मिलना। हमने सब जगह वर्टागो जी। अच्छा,
तो किसान भाई हमारे जैविक भी तैयार करते हैं, उसकी भी हम वीडियो दिखाएंगे आने वाली वीडियो में। हाँ, अच्छा जैविक भी अपने हाथ से तैयार। अच्छा जैविक हमारे किसान भाई तैयार करें, उसकी जानकारी देना हमारे किसान भाइयों को अगली वीडियो में। किसान भाई, तो किसान भाइयों आज के किसान भाई से मिलकर आपको कैसा लगा और इनका गन्ना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना किसान भाइयों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को शेयर करना किसान भाइयों। अच्छा किसान भाई।